ना मान लीजिए आपके दो कार लिए और फिर आपने दो कार ड्रॉ किए और वो दोनों स्पेड आए, क्या संभावना है कि गिरा हुआ कार्ड एक स्पेड था और एक नॉन स्पेड था? राइट, जब दो कार्ड गिरे या तो वो दोनों स्पेड हो सकते थे या वो एक स्पेड एक नॉन स्पेड हो सकता था या फिर दोनों नॉन स्पेड हो सकते। दो स्पेड गिरने की प्रोबेबिलिटी 13 में से दो गिर जाते 13 में से एक गिरता फिर बाकी 39 में से एक गिरता 13 में से एक भी ना गिरता 39 में से दो गिर जाते। मेक सेंस? अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती तो 11 स्पेड रह जाते और 39 नॉन स्पेड रह जाते। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो 12 स्पेड रह जाते और 38 नॉन स्पेड रह जाते। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो 13 स्पेड रह जाते और 37 नॉन स्पेड रह जाते। ऐसी सिचुएशन के बाद दो स्पेड आना इज लाइक 11 में से दो आए 50 में से, जबकि कोई भी आ सकते थे। ऐसी सिचुएशन के बाद दो स्पेड आना 12 में से दो आए जबकि 50 में से कोई भी आ सकते थे। ऐसी सिचुएशन के बाद दो स्पेड आना जबकि मतलब ये 13 में से दो आए जबकि 50 में से कुछ भी आ सकते। 11 में से दो आए दो स्पेड। अब दो स्पेड कैसे कैसे आ सकते हैं? या तो पहले दो स्पीड गिरे होते फिर दो स्पीड आए होते। 13C2/52C2 × 11C2/50C2 + 13C1 × 39C1/52C2 × 12C2/50C2 और 39C2/52C2 × 13C2/50C2 और इसमें बीच वाला ऊपर 13C1 × 39C1/52C2 × 12C2 × 50C2 लेकिन दिस इज यू नो दिस इज द नाइन्थ टाइम आई एम ट्राइंग टू टीच प्रोबेबिलिटी। दिस इज द नाइन्थ पार्ट ऑफ द चेन। Had this question been done in the very first video, in the very first attempt, he would have said, oh shit, what the hell is this? A 11th class kid or a 10th class kid, if watches this, he would say, I am not going to take maths anymore. But this is not difficult at all. This is easy. This is what, you know, one should think of, okay, fine, let me see what possibilities are there. If you can figure it out very definedly, then you can trigger the result very appropriately.